वसीम रिजवी, तुझको मैंने पहले ही कहा था, बार बार कह रहा था कि कुरान एक शम्मा की तरह है, चिराग की तरह है, मत टकराओ, अगर टकराओगे तो जलकर राख हो जाओगे। जिस तरह शम्मा या चिराग को देखकर परवाने जब आते हैं, टकराते हैं तो जलकर राख हो जाते हैं, यानी सज़ा मिल जाती है, उसी तरह तुम्हारी हालत हो जाएगी। मैंने कहा था, सभी लोग कह रहे थे, तूने किसी की बात नहीं सुनी, मौलाना भी कह रहे थे, किसी की बात नहीं मानी, इसका अंजाम क्या हुआ? जेल के अंदर सज़ा मिल रही है, और जेल के अंदर से भी तू अभी मौलाना को याद कर रहा है, किसी को भी देखता है, सपने में भी देखता है, तुझको मौलाना याद आ रहा है। जेल के अंदर से वसीम रिजवी ट्वीट करते हैं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कुछ भी हो, ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मौलाना लोग मेरी पत्नी को, परिवार वालों को ख़त्म कर देंगे। आप ट्वीट पढ़ सकते हैं, ये कुछ दिन पहले की बात है। आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे अनभक्त मौजूद हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि वसीम रिजवी की पत्नी को मौलानाओं ने पीटा, क्योंकि जो बड़े बड़े जो अनभक्त हैं सुरेश चौहान के, ये कह दिया, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि मौलाना लोग वसीम रिजवी की पत्नी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो छोटे छोटे अनभक्त हैं आज भी ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग गोदी मीडिया की खबरें देखता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करके उन अनभक्तों तक पहुंचा दीजिए। उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, वो कोई मौलाना नहीं थे। वसीम रिजवी को याद आ रहा है मौलाना मौलाना, लेकिन वो कोई मौलाना नहीं थे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो अल्ट न्यूज़ के जो संपादक हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने ट्वीट कर कह रहे हैं कि क्या शमील शमसी ये मौलाना हैं, इनको वसीम रिजवी मौलाना बता रहे हैं। तो आज आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, कंप्लेंट कॉपी में शमील शमसी का नाम है, वो मौलाना नहीं है। और जिन लोगों के नाम हैं वो सभी के सभी गोरक्षा दल के प्रभारी हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं, कोई मौलाना नहीं है। लेकिन किस तरह नफरत फैलाते हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जेल के अंदर से भी नफरत फैला रहे हैं। इसीलिए कहना चाहता हूं कि पहले ही कह रहा था कि शम्मा से मत टकराओ, नहीं तो जल जाओगे। वसीम रिजवी को जेल के अंदर से भी मौलाना याद आ रहा है। दोस्तों, अब यहां पर आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूं कि क्या वसीम रिजवी की पत्नी को सच में किसी ने पीटा? नहीं पीटा। शिया वक्फ बोर्ड के यतीम खाने के अंदर एक मकान था जिसमें वसीम रिजवी रहा करता था, लेकिन बहुत दिन पहले चाबी सौंप दिया था, वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। उसी मकान को लेकर शमील शमसी और कुछ लोग पुलिस साथ में, पुलिस वाले भी साथ में थे, गए हुए थे। तो वसीम रिजवी के परिवार वालों में से कुछ लोग आए, उनकी पत्नी भी आई और हंगामा करने लगी, कहने लगी कि ये मकान हमारा है। तो इस तरह वहाँ पर माहौल बन गया था, हंगामा हो रहा था, पुलिस वाले भी साथ में थे, कोई किसी को नहीं पीटा। और ये सारी बातें शमील शमसी खुद बयान कर चुके हैं। उसी के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि वसीम रिजवी की पत्नी को किसी ने नहीं पीटा। लेकिन फिर भी वसीम रिजवी और अनभक्त पत्रकार लोग, अनभक्त लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना लोग वसीम रिजवी की पत्नी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वसीम रिजवी को अब मौलाना याद आ रहा है और याद आता रहेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, राय दीजिए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।